एक लड़की थी शादी से पहले, वो सत्संग से जुड़ी हुई थी, सत्संग से जुड़ी हुई थी। उसकी शादी हुई, घर में आई, ससुराल में पूजा करती थी, ससुर भी थे, सास भी थी, पति भी थे, सब कुछ था और हर प्रकार का सुख था। तो एक दिन वो लड़की सुबह सुबह झाड़ू लगा रही अपनी ससुराल में, नई नई आई थी ससुराल में, झाड़ू लगा रही तो एक बाबा जी आ गए भिक्षा मांगने सुबह सुबह। सूर्यदेव ने कृण को भी नहीं पसारा, इतनी जल्दी आ गए। तो हाथ में कमंडल है, जवान थे वो बाबा जी, कोई ऐसे 20-22 साल की उम्र में साधु महात्मा बन गए। तो वो द्वार पर आ गए तो उस आवाज लगाई है, माता भिक्षाम देही, माता हमें भिक्षा डाल जाओ। उस लड़की ने सुना कि बाबा जी आ गए हैं तो झाड़ू को वहीं छोड़ा और हाथ में भिक्षा लेकर के दरबारे के लिए पहुंच गई। दरवाजे पर पहुंच गई, उसका ससुर था वो बरामदा में लेटा हुआ था, वो जग गया। जैसे साधु महात्मा ने आवाज लगाई वो जग गया। उस लड़की ने जो महात्मा की शक्ल देखी और जवाब दिया है, बड़ी खोपड़ी से काम लिया उस लड़की ने, अंदाजा लगाना। उस लड़की ने साधु महात्मा को भिक्षा तो नहीं दी लेकिन एक शब्द जरूर बोल दिया कि सुनो बाबा जी इतनी जल्दी क्यों। उस लड़की ने शब्द बोला इतनी जल्दी क्यों, तो साधु महात्मा ने भी बड़ी बुद्धि के साथ विचार दिया, बेटा मुझे डर लग रहा था, मुझे डर लग रहा था। तो इतनी बात जब ससुर ने सुनी है तो सोचने लगा उल्टा सीधा कि इसका क्या मतलब है, जो बाबा द्वार पर आया है इसको भिक्षा डालनी थी, इसका क्या मतलब था कि इतनी जल्दी क्यों, और इस पगले का भी क्या मतलब था। उसने इससे उल्टी बात बताई, मुझे डर लग रहा था, क्या मतलब था इसका। जो साधु महात्मा से ये अपरिचित एक दूसरे से, न ये उसे जानती वो इसे नहीं जानता, क्या मतलब है अपरिचित लोगों से इतनी बातें करना। वो जो ससुर था वो खोपड़ी चलाने लगा उल्टी सीधी। उस लड़की ने जवाब दिया, बाबा जी आप भिक्षा लो। तो महात्मा ने जवाब दिया, बेटा कि हाँ, कि तुम्हारी उम्र कितनी है, तुम्हारी उम्र कितनी है। तो उस लड़की ने कहा कि मेरी उम्र है 7 वर्ष की। 7 वर्ष। ससुर विचार करने लगा कि यहाँ खड़ी है 25-26 साल की, वजह से संत से क्या झूठ बोल रही है, 7 साल की, देख दे चलो। सुनता गया, साधु महात्मा ने जवाब दिया, बेटा तुम्हारी 7 साल की उम्र है कि हाँ, 7 की। तुम्हारी घर में सास है कि हाँ है, उनकी उम्र कितनी है कि सास की उम्र है 5 साल की। 5 साल, डुकरा सोच लगो के सास की 5 साल उम्र और खुद की 7 साल, देख दे चलो ये कहां तक झूठ बोलेगी। फिर जवाब दिया, तुम्हारी सास की 5 साल की उम्र है कि हाँ। बेटा तुम्हारे पति हैं घर में कि हाँ। पति की उम्र कितनी है कि पति की उम्र है 2.5 साल की। डुकरा सोच लगो, बड़ी 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 औरत बड़ी खोपड़ी चला रही है, पति की उम्र, पति की उम्र 2.5 साल की बता रही है। सोचता रहा सोचता रहा, जवाब दिया, पति की उम्र 2.5 साल के हाँ। तुम्हारे ससुर हैं घर में, लड़की ने जवाब दिया, ससुर का अभी जन्म ही नहीं हुआ, ससुर का अभी जन्म ही नहीं हुआ है। डुकरा ने इतनी बात सुनी, जवाब दिया, जब 4 पाई पे धरे सुबह से शाम तक हो, इसने तो मुझे खत्म ही करा दिया, मेरा तो जन्म ही नहीं हुआ अभी तक, और इसके सामने इसकी फूट गई है, जिस दिन से ये घर में आई है तब से मैं इसकी नजरों के सामने। लेकिन वो बाबा जी तो इतनी बात कह के चले गए। सुबह की बात थी और शाम को पंचों को बुलाया पंचायत करने के लिए, 7-5 पंचों को इकट्ठा किया उस ससुर ने, और चौपार पे जाकर के बिठाया पंचों को और जवाब दिया, सुनो सभी सभा के लोगों, मेरी बहू एक नागिन घर में ऐसी आई है तो झूठ पर झूठ बोलती जाती है। क्यों? पंच कहने लगे, भैया पंचायत तभी शुरू होगी क्योंकि अपनी बहू को बुला दिया जाए। जवाब दिया, ठीक है। ससुर ने जवाब दिया, किस बहू को बुला दिया जाए, किसी
व्यक्ति को भेज दिया, उस बहू को बुलाया गया पंचायत में। बहू को बुला दिया गया तो पंचों ने जवाब दिया, ससुर भी वहीं बैठा है, सारा परिवार बैठा है, सारे पंच बैठे हुए, सारे गांव के इकट्ठे बैठे हैं। तब उस बहू से जवाब दिया है ससुर ने, सुन मैंने तुझे इसलिए बुलाया इस पंचायत में, क्यों कि ये बताओ कि कल यानी सुबह साधु महात्मा आए थे तेरे द्वार पर, जब मैं बरामदे में बैठा हुआ था तो साधु महात्मा से तूने दीक्षा तो नहीं दी, लेकिन सबसे पहले तूने प्रश्न किया था कि इतनी जल्दी क्यों, तो तेरे इशारे को उसने समझ लिया, तो उसने भी जवाब दिया कि मुझे डर लग रहा था। इसका मतलब क्या है ये मैं शॉर्ट वॉर्ट में नहीं जानता हूँ, मुझे विस्तार से समझा, मतलब क्या था तुझे इतना बात करने का उससे। जवाब दिया, पिताजी शायद हमें यह मालूम पड़ रहे हो तुम्हारे अंदर खोपड़ी नहीं है। जवाब दिया, खोपड़ी क्या, खोपड़ी तो अभी पता चलेगी तुझे, तुझमें खोपड़ी ज्यादा है या मुझमें। ससुर और बहू में जब झगड़ा होने लगा तो पंचों ने शांत किया, सुनो हम बैठे किसके लिए बैठे हैं। बहू से जवाब दिया, बेटा तुम बता दो तुम्हारा उस संत से बात करने का मतलब क्या था। तो लड़की ने जवाब दिया, सुनो पिताजी एक एक बात पर गौर करना, तुम्हारी सोच गलत है, मेरी नहीं बल्कि तुम नेगेटिव सोच के बैठे हुए हो, तुम हमेशा के लिए बुराई सोचते रहते हो। मैंने उस संत से बिल्कुल झूठ नहीं बोला बल्कि बिल्कुल सच सच जवाब दिया था। जवाब दिया क्या सच था, तूने खुद की उम्र 7 वर्ष की बताई, खुद 25-26 साल की खड़ी है हमारे सामने, और ससुर और सास की उम्र बताई तूने 5 साल, पति की बताई 2.5 साल, और ससुर का तो विजन भी नहीं हुआ है, क्या ये सच है। जवाब दिया हाँ। तो लड़की ने जवाब दिया, पिताजी सुनो जितने भी पंच बैठे हैं, मैंने इसलिए जवाब दिया था उस बाबा से कि बाबा इतनी जल्दी क्यों, मेरा मतलब इतनी जल्दी क्यों कहने का ये था कि इतनी जल्दी तुमने ये साधु महात्मा का भेष धारण क्यों किया, इतनी जल्दी तुम तो 20-22 साल के हो लेकिन इतनी जल्दी साधुओं के भेष में क्यों आ गए, मेरा मतलब ये था। जवाब दिया ठीक है, तो उसने क्या जवाब दिया, मुझे डर लग रहा था, कि उनका कहने का मतलब ये था कि बेटा मुझे डर लग रहा था। क्यों डर लग रहा, क्योंकि ये दुनिया मुझे बदनाम न कर डाले, क्योंकि मुझमें गंदे गंदे आरोप न लगा ले, इसलिए मैंने साधुओं की संगति अपना ली। अच्छा कि हाँ, ये बता तूने 7 साल की उम्र बताई अपनी, तू 7 की है। जवाब दिया 7 की ही उम्र हुई है मेरी, क्यों कि मुझे आज 7 वर्ष ही हुए हैं सत्संग से जुड़े हुए, और क्योंकि जब तक वो बहू जवाब दे रही है ससुर से, सुनो आज मैं 7 वर्ष की ही हुई हूँ, क्यों जब तक प्राणी सत्संग में नहीं जाता, जब तक भगवान के चरणों को नहीं पकड़ता है, भक्ति नहीं करता, तब तक उसका जन्म होता भी नहीं है, याद रखना। मुझे आज 7 वर्ष ही हुए हैं सत्संग से जुड़े हुए, इसलिए मेरी उम्र भी 7 वर्ष ही है। जवाब दिया ससुर और सास की कितनी बताई तूने, कि सास की बताई थी मैंने 5 साल। 5 साल की है तेरी सास, जवाब दिया 5 की ही हुई है, क्यों जब मैं आई थी उसके 2 साल बाद मैंने अपनी सास को सत्संग से जोड़ा, इसलिए उनकी 5 वर्ष हुई है अभी उम्र। और पति की उम्र कितनी बताई, 2.5 साल, कि हाँ 2.5 साल इसलिए बताई कि सास की 2.5 साल बाद अपने पति को सत्संग से जोड़ा, इसलिए उनकी अभी उम्र हो पाई है 2.5 साल। और तूने मेरा तो जन्म ही नहीं किया है, अभी जवाब दिया तुम्हारा जन्म हुआ ही नहीं है, क्योंकि दिनों जब से आई हूँ दिनों रात कहती रहती हूँ सत्संग से जोड़ो, भगवान की पूजा करो, करते कहाँ हो, इसलिए तुम्हारा जन्म नहीं हुआ। तो इससे कहते हैं बुद्धि से काम लेना। देखो भगवान के दरबार में जब तक कोई प्राणी नहीं जाता, जब तक सत्संग से नहीं जुड़ोगे, जब तक भक्ति को ना अपनाओगे, तब तक तुम्हारा जन्म होने वाला नहीं है, ध्यान रखना। भगवान अपने भक्त को गोदी में उठाने से पहले गिराता बहुत है, ध्यान रखो,
बहुत गिराता है, एक बार गिराएगा, दो बार, चार बार, छह बार, दस बार, बीस बार, पता नहीं कितनी बार। अगर भगवान तुम्हें गिराता रहा गिराता रहा, अगर तुम गिरने से डर गए, सास को छोड़ दिया, तो तुम भगवान के भक्त नहीं बन पाओगे। और अगर तुमने अपनी कोशिश को जारी रखा, ट्राई को बुलंद रखा कि मुझे भगवान कितना भी गिराए लेकिन मैं फिर भी सफलता रहूंगा, गिर के सफलता रहूंगा, गिर के सफलता रहूंगा, तो इसलिए भगवान गोदी में उठाने से पहले, हृदय से लगाने से पहले दुख देता बहुत है, लेकिन उन दुखों को सहन करना हमारा परम धर्म है। और तभी हम भगवान के बड़े भक्त हो पाएंगे जब तक कष्ट नहीं सहने पड़ेंगे, क्योंकि किसी चीज को पाने के लिए पहले कुछ खोना पड़ता है, और खोना इतना ही पड़ेगा कि भगवान के बड़े भक्त होंगे तो जोर से भागवत में बैठे हुए जोर से ताली बजानी पड़ेगी और मुख से बोलना भी पड़ेगा, बोली बाकी बिहारी लाल की।